नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान कंगाल है और दिवालिया होने के कगार पर है। ऐसे लोगों का कहना है कि दुश्मनी भूलकर हर किसी को दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन दिमागी रूप से पैदल पाकिस्तान अब भी कश्मीर को लेकर हेकड़ी दिखा रहा है। अब इस बात पर हंसी या रोएं अब समझ नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हालात खराब हैं, क्योंकि जनता आटा चावल दाल के दाम से त्रस्त है और पाक हुक्मरान और पाक आर्मी कश्मीर कश्मीर खेल रहे हैं। तो आप इससे पाक हुक्मरानों की दिमागी दिवालियापन को जान सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जिनसे आप ना मुल्क नहीं संभल रहा है, वो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीरी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका देश उन्हें कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। शहबाज ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। वो समाधान संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत चाहता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कश्मीर राग अलाप रहे हैं, तो वहीं गिलगित बाल्टिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे पीओके को भारत में मिलाने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पहले हमें रोटी दो, फिर नौकरी दो, तब हम बात करेंगे। लेकिन नेता पहले कश्मीर लेने और देने की बात कर रहे हैं। ये लो कश्मीर और भूखे मरो, बस इसी बात को लेकर बवाल चल रहा है। लेकिन मजाल कोई सुधर जाए, अपनी जनता के लिए करेंगे कुछ नहीं और भारत का नाम लेकर सिर्फ पूरी दुनिया में झूठ बोलेंगे। जो चीज पाक जनता को चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है, जैसे भोजन। लेकिन आर्मी और पाक नेता जबरदस्ती कश्मीर देने की बात कह रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? वहीं खुफिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से पाक ने दुनिया भर में अपने दूतावास और हाई कमिश्नर को एक सीक्रेट नोट भेज दिया है, जिसमें भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश को कैसे अंजाम देना है उसके लिए टूल किट भी शेयर किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में स्थित पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसा सीक्रेट नोट 3 फरवरी को जारी किया गया। उस नोट में पाकिस्तान ने दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावासों और हाई कमीशन के साथ मिलकर कश्मीर पर भारत के खिलाफ साजिश करने की प्लानिंग की। जानकारों का कहना है कि ये करके ISI अपनी भुखमरी, अपनी नाकामी और अपनी गलत नीतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाक आर्मी अपनी नीति कामयाब करने में लगी, वैसे ही उसकी पोल खुल गई। आपको याद हो तो पहले पेशावर, फिर क्वेटा में विस्फोट ने पाक आर्मी और पाक सरकार की पोल खोल दी और TTP खुले तौर से चैलेंज कर रहा है। लेकिन उसको छोड़ पाक आर्मी भारत और कश्मीर पर फोकस कर रही है कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन जनता है कि मान ही नहीं रही है और हर बार पाक आर्मी की साजिशें बेपर्दा हो जाती हैं। पीओके के लोग रोटी, कपड़ा, मकान मांग रहे हैं। पाक आर्मी गोली और बंदूक देने की बात कर रही है और कह रहे कि आप भारत को दुश्मन माने, और आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के क्या हालात हो गए हैं। सरकार और आर्मी इस हालात की पूरी तरीके से जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ और सेना भारत के खिलाफ साजिश रच रही है और पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है।